ये मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है कि हार्वर्ड में आकर बोलने का अवसर मिला और विशेष रूप से भाई सूरज का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसे मुझे अवसर प्रदान किया है। आज जो विषय दिया गया है जाति और राजनीति। आदरणीय साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा किसी भी देश की जो भूगोल है उस देश का अर्थव्यवस्था तय करता है। भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों मिलके राजनीति तय करते हैं। भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति मिलके इतिहास बनाते हैं। भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, इतिहास, ये उस देश की संस्कृति तय करते हैं। आदरणीय साथियों, हमें जाति और राजनीति को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। भारत में जाति और राजनीति परंपरा से दो दो बिंदुओं पर निर्धारित करती है। जाति उत्पादन के ज्ञान और अधिकार, दूसरा सम्मान पूर्वक जीने का गौरव, वही राजनीति आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उत्थान निर्धारित भी करती है और प्रभावित भी करती है। लेकिन उपनिवेश काल में यह जो व्यवस्था है उसको बहुत प्रभावित किया है। छत्तीसगढ़ एक उदाहरण है जिसमें अनेक जातियां आकर वहां आई, साथ साथ रही और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान दिया है, उत्पादन में भागीदारी करती है। लेकिन एक और बात, जो हमारे जो संत हैं, महापुरुष हैं, ऋषि हैं, जो समाज सुधारक हैं, उनकी भूमिकाएं बहुत अधिक होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर का प्रभाव, हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी, स्वामी आत्मानंद जी का प्रभाव। गुरु घासीदास जी ने कहा, मनखे मनखे एक समान, मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, इसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और इसका प्रभाव आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। वहां जाति गौरव है लेकिन जाति वैमनस्यता आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ की अपनी खासियत। आदरणीय साथियों, जातियों को जब तक के राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, उसके जनसंख्या के आधार पर प्रजातंत्र में सुरक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक हम उत्पादन के अधिकार एवं गौरवपूर्ण नागरिकता को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चलकर मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। जातियों के आर्थिक सामाजिक मजबूती के लिए मनखे मनखे एक समान को आदर्श को बढ़ाना पड़ेगा। पुरातन काल की घटनाएं स्मृतियों में सावधानी पूर्वक देखते हुए बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रज्ञा, करुणा और मैत्री के आधार पर सामाजिक सरोकार को बढ़ाना होगा। बिना किसी ऐतिहासिक प्रश्न के से डरे बिना विश्व में भारत के गांव के स्वावलंबन को गांधी के रास्ते पर चलते हुए प्रकृति और संस्कृति दोनों शामिल है, उसे हमको बढ़ावा देना होगा, उनको जगह देनी होगी कि उनके जो खेल हैं, उनके नृत्य हैं, उनके जो इनोवेशन है उसे हमको सम्मान देना होगा। आदरणीय साथियों, समृद्ध राष्ट्र और सम्मानित समाज और निर्भय नागरिक तभी खड़े हो सकते हैं
जो अनावश्यक उत्तेजना से नहीं बल्कि अपनी साथ लेकर सबको चलने और जिम्मेदार नागरिक बनने से ही संभव हो पाएगा। जो काम राजनीति का है, जो हर जाति अपने गौरव और साझी राष्ट्रीयता में उसका योगदान हो, वह भी अन्य लोगों की तरह सब महत्वपूर्ण हो, यह विचार हमें जाति भेद भाव पर भी, जाति देश पर भी हम लोगों को विचार करना होगा और इससे ऊपर उठकर ही हम एक सबल राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं कहना चाहता क्योंकि आप सब प्रश्न भी करना चाहते हैं और प्रश्न के माध्यम से मैं अपनी बात कहूँगा भी, लेकिन आखिरी बात मैं स्वामी विवेकानंद जी के महान विचार से अपनी बात में समाप्त करना चाहता हूँ। मैं उस देश का प्रतिनिधि हूँ जिसने मनुष्य में ईश्वर को देखने की परंपरा को जन्म देने का साहस किया था और जीव में ही शिव है और उसकी सेवा में ही ईश्वर की सेवा है, यह उद्घोष उन्होंने किया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर। To pay respects to the tribal nations upon whose land we are, the Massachusetts, after whose the Massachusetts is named, and also remember their sacrifices as well as the genocide they underwent through the colonization of this very land. Secondly, I would also like to acknowledge the delegation, beginning with Charandas Ji Mahant Bahut Shukriya, the Speaker of Chhattisgarh Assembly, as well as the excellent 9-people delegation who has escorted CM Baghel. I would just like you to raise your hands just for people to know. Thank you so much for all the great work you have done. And also, let's give it up to our in-house girl, the feminist as well as serving bureaucrat, Geeta Machina, for that excellent introduction. I'll turn in Hindi and then of course we can communicate in both languages. CM साहब, आपने जाति के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से जो इतना बड़ा नेता है वो पहली बार है। और इसके लिए महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 74% अप्रोक्सीमेटली जो भारत की जनता है वो एस सी एस टी ओबीसी है, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ इस तरह से नहीं होता था। आपने यहाँ आकर उसको इस तरह से शुरुआत की है, तो सबसे पहले आपको शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आप ये बताएं, राजनीति में भारत के जाति है क्या? भारत के राजनीति में जाति का अपना स्थान है। जाति को आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि समूह में रहने के स्वाभाविक प्रवृत्ति, चाहे वो पशुओं में आप देखें चाहे मनुष्य में देखें, अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ रह के उनके जो आर्थिक सामाजिक जो समस्या है वो उनकी अपनी होती है और राजनीति में जब तक कि वो भागीदार नहीं बनेंगे अपनी बात वो नहीं कह पाएंगे, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो नाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो, ये सब अपनी उनकी अपनी समस्याएं होती है और उनको यदि यदि उसको उस समस्या का निदान खोजना है तो इनका प्रतिनिधित्व चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में होना ही चाहिए, तभी जाके वो अपनी बात अपने वर्ग की बात वो कह सकते हैं और तब लोगों को लगेगा ये सरकार मेरी भी है, इस प्रजातंत्र में मेरी भूमिका है, मेरे लिए भी ये सरकार सोचती है, तब वो फिर वो देश के साथ खड़ा होगा। अब जैसा जो पिछड़ों का विषय है, जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का विषय है, काका कालेलकर कमीशन से लेकर जो आजादी के बाद का जो ओबीसी समाज को झगड़ना पड़ा उसके प्रतिनिधित्व के लिए, और बहुत से समय ये हम देखते हैं
कि ओबीसी की राजनीति को रीजनल कर दिया है। यदि कोई ओबीसी नेता है या नेत्री है उसको बस उसी स्टेट तक उसको लिमिट कर दिया है, उसको एक ऑल इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उस तरह से हमको क्रिटिकली दिख नहीं पाया है। अब जब हम उसी तरह से देखते हैं कि आपने जो प्रतिनिधित्व की बात की तो रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। बाबा साहब ने तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पहले ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, फिर उसके बाद में जो ओबीसी के बड़े नेता हुए पंजाब राव देशमुख जो महाराष्ट्र के थे, फिर उसके बाद जो पिछड़ा आयोग बना, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज भी जो ओबीसी है जो लगभग 50% से ऊपर है उसका अंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आपके स्टेट में आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि 13 से 27% कर दिया। मुझे लगता है तमिलनाडु के बाद शायद आप ही जो स्टेट हो जो इस तरह से इसकी पहल कर पाए हैं। अब स्टेट अब कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। अब मैं ये देखना चाहता हूं, आपने तो उसको 27% कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फिर भी 27% करने के बावजूद भी आधा ओबीसी फिर कहीं ना कहीं बाहर रह जाता है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो संविधान में व्यवस्था है बाबा साहब ने जो कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति उसके जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो वो रिजर्वेशन हमने दिया हुआ है, बल्कि एससी का कम था उसको हमने सुधार किया। जो अभी जो जनगणना 2011 में 13% था लेकिन 12% ही दिया जा रहा था उसको हमने 13% दिया। दूसरी बात, जो मंडल आयोग ने कहा कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूपेश बघेल ने कहा, मंडल आयोग ने कहा और उसको हमने लागू किया। अभी लोकसभा में जो अपर क्लास के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं जिसके आय 8 लाख से भी कम हैं उनको भी 10% रिजर्वेशन देने की बात उन्होंने कही। हमने कहा कि जो लोकसभा में पारित किया, जो संविधान में है, जो आयोग ने कहा, हम सबको फॉलो कर लेंगे और इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 82% आरक्षण हो पाया, हमने उसे लागू किया। अब कोई व्यक्ति है जो हाईकोर्ट चला गया, हमने इस बीच में एक आयोग का गठन किया जो इन वर्गों के हेड काउंट करेगा और उसके बाद अपनी बात हम न्यायालय के सामने रखेंगे। लेकिन हमारा कमिटमेंट है कि हम वो रिजर्वेशन देख रहे हैं। देखिए, भारत एक ऐसा एक अजीब देश लगता है कभी कभी जो जानवरों की गिनती कर देता है, गधे कितने हैं या फिर कितने जानवर हैं उसके हिस्से। ओबीसी की जनगणना नहीं कर रहे, ओबीसी के आंकड़े भी हमको अब तक पता नहीं, ताकि उनके प्रतिनिधित्व के बारे में जब हम बात करेंगे हमको मालूम होना चाहिए। अभी तक वो क्या एससी एसटी के आंकड़े उन्होंने सेपरेट कर दिए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अलग कर दिया, हालांकि मुद्दा है ओबीसी का भी, तो ओबीसी की जनसंख्या एक्यूरेटली कितनी इसके बारे में हमको पता नहीं है और उसके ऊपर बार बार डिले किया जा रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये बात लोकसभा में उठी थी और उसके हिसाब से 2011 में भी इस प्रकार से जनगणना हुई भी थी, लेकिन उसे बाद में उसे सुरक्षित रख लिया गया, बल्कि उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। मैं समझता हूँ कि इसको लाया जाना चाहिए ताकि उसको ओबीसी वर्ग को भी उसका लाभ मिल सके। मुझे पूछना था आपको कि जब आप अपने मंत्रिमंडल के या अपने एडवाइजर्स की बात करते हैं उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन है एससी एसटी? जब मैं एडवाइजर के मैं नाम देख रहा था उसमें सारे के सारे सवर्ण थे, जहाँ तक मैं आपके डीजी पे भी सवर्ण है, आपकी जो मीडिया एडवाइजर है वो भी सवर्ण है, आपके जो प्लानिंग कमीशन वाले वो भी सवर्ण है, विधानसभा के एडवाइजर भी सवर्ण है और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी सवर्ण है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, थोड़ा सुधार करूं मैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो ओबीसी के, ये कबीरपंथी भी हैं और ओबीसी महंत कहने से ये मत समझिए कि सुनिए बात। दूसरी बात, अभी जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी उपस्थित है, वो भी एससी वर्ग है। इसके पहले जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे वो एसटी थे और मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहली बार एसटी को चीफ सेक्रेटरी बनने का अवसर मिला और एससी को भी पहली बार छत्तीसगढ़ में एक चीफ सेक्रेटरी बनने का अवसर मिला। मंत्रिमंडल में आप देखेंगे, मंत्रिमंडल में हमारे चूँकि 13 ही मंत्री हैं, मुख्यमंत्री से 13 लोग हैं, उसमें एक ठाकुर है, एक ब्राह्मण है, 2 एससी हैं, 3 एसटी हैं और उतने ही ओबीसी हैं, तो उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप
मुख्यमंत्री सलाहकार कहें तो उसमें ओबीसी है, हर चीज में हर जगह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक कि मंत्रिमंडल की बात है, विधानसभा में अभी पहली बार है विधानसभा में उपाध्यक्ष है वो एसटी का बना है, जो आदिवासी बना है, छत्तीसगढ़ में पहले एसटी कभी विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं बना, लेकिन इस समय बना है। तो जब आप ये मान लो एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्रांति बोल सकते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का आधार लेके आप समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, पर फिर भी बघेल साहब स्ट्रक्चर जो है वो फिर भी जातिवादी है, हालांकि हमने अगर एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा दिया है, वो उस तरह का वो आकार बन गया है कि वहां पर फिर कॉलेजों की अगर हम एडमिशन की बात करें या कोई भी पोजीशन की बात करें आईएएस या अनेक सर्विसेज में देखें कि वहां जाने के बाद भी फिर वो मेरिट वाली आर्ग्यूमेंट उनके ऊपर लाई जाती है, कहते हैं कि आप काबिल नहीं हो, आप सिर्फ रिजर्वेशन से आ गए हो, आपके अंदर उस तरह का क्वालिटी नहीं था, इसकी वजह से आपका प्रतिनिधित्व हुआ है। जब लोग आपको जिस तरह से आप एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बना दिए हो और एक कबीरपंथी को आपने, तो ये मेरिटोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट आपके ऊपर आती है कि मेरिट धारक आप मेरिट को क्यों फॉलो नहीं कर रहे, उसके ऊपर आप कैसा जवाब देते हैं? हमको भी चाहिए इसके लिए जवाब, ताकि हम भी बोल पाए जो हमको बार बार मेरिट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सवाल अवसर का है। डॉक्टर चरणदास महंत जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे, 3 या 4 बार के सांसद रहे हैं और 1980 से लगातार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वो गृह मंत्री थे और उन्होंने अपनी काबिलियत सिद्ध किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जनता के बीच में गए, चुन के आए और 1980 से वो लगातार चुनाव लड़ भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं, अधिकांश चुनाव जीते, तो हमारे सामने जीता जाता उदाहरण है कि उनको अवसर मिला और उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की। तो सवाल इस बात का है कि इन वर्ग के लोगों को अवसर मिलना चाहिए। जहां तक के रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन में भी अब तो बहुत सारे ऐसे हमारे रिजर्वेशन के जो छात्र हैं वो जो सामान्य वर्ग के जो रिजल्ट आता है उससे ज्यादा कट ऑफ उनका ज्यादा हो जाता है, तो ये स्थिति बदलती जा रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि उनको अवसर मिलना चाहिए, जो अवसर नहीं मिलता इसका नुकसान इन वर्गों को होता है। देखिए, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं जैसे दलित परिवार की झोपड़पट्टी में पैदा हूँ छोटे शहर में, अगर मुझे अवसर नहीं मिलता शिक्षा का आरक्षण के हिसाब से या कहीं भी, तो मैं कहना है कि गैंगस्टर या फिर छोटे तरह कोई ना कहीं छोटा मोटा क्लर्क होकर अपनी जिंदगी बिताया होता, हार्वर्ड जैसे या दुनिया के 4-5 इंस्टीट्यूट्स है उसमें मैं पढ़ा नहीं होता। तो जो अवसर की बात है बहुत बहुत महत्व रखती है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बन जाता है जो सवर्ण समाज से, उनको लगता है समान अधिकार नहीं मिल रहा है उनको, हालांकि इसको वो इस तरह से नहीं देखते हैं कि अवसर जो है वो समान अधिकार देने का एक पहल है। मैं आपको एक दूसरे सवाल के ऊपर आपका ये करना चाहता हूँ कि देखिए, आपका स्टेट एक आदिवासी स्टेट भी है और आदिवासी स्टेट के ऊपर जब जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से उधर एक लोकल प्रॉब्लम है और वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था, आपके खुद के ही पार्टी के सीनियर लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई थी, तो नक्सल इशू और आदिवासी इशू ये एक पैरेलली इसको धकेला जाता है मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में, हमेशा ही बताया जाता है। आप एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहाँ पर कॉरपोरेट्स भी जो है वो उसके अंदर इंटरेस्ट कर लेना चाहते हैं, और हालांकि आदिवासी लोगों का उसके अंदर जो उनकी जमीनें छीनने का सवाल है वो बार बार पूछा जाता है। तो जब हम इसको एक पॉलिसी मेकिंग के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अवसर कैसा दें उनको, और ऊपर से होने वाला जो वायलेंस है उसको हम किस तरह से देखें, क्योंकि फिर नक्सल की जो समस्या है वो देश की नहीं बनती है, वो हम बोल देते हैं कि देश के मतलब एक उग्रवादी टाइप लोग है, हालांकि वो अपने ही देश के लोग हैं जो किसी हक के लिए लड़ रहे हैं, उसको हम किस तरह से देखें? देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है तो 50% के आसपास ओबीसी हैं, 32% हमारे आदिवासी हैं, 13% हमारे एससी के लोग हैं, 75% फिर अपर क्लास के लोग। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ देश के भौगोलिक दृष्टिकोण से 9वां बड़ा राज्य है, जहाँ 135,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 44% भूभाग है वो जंगल है, और यही हमारे मोस्टली आदिवासी लोग रहते हैं, 60% वो होंगे तो 40% ओबीसी और दूसरे वर्ग के लोग हैं। ये जिस प्रकार की समस्या की बात आ रही है उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि
उग्रवाद वामपंथ फैलता कैसे है। ये वही उग्रवाद है, वामपंथ नहीं है, जहां शोषण है, जहां गरीबी है, जहां भूखमरी है, जहां शिक्षा अशिक्षा है, जहां शोषण है। और जब तक ये सब चीजें रहेगी वहां वामपंथ को फूलने फलने का अवसर मिलता रहेगा। यदि इसी चीज को आप दूर कर दीजिए वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यदि उनकी बात आप करें उस देश के हैं, मुझे इसको मानने में कोई संकोच नहीं, हमारे देश के हैं, लेकिन हमारा विरोध क्या है? विरोध ये है कि वो हमारे संविधान को नहीं मानते। दूसरा, वो समस्याओं का निदान हथियार से करना चाहते हैं, हिंसा से करना चाहते हैं, जबकि हम अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। तो न बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, न गांधी जी को मानते हैं। बात ये, इसको हमारी सरकार ने सबसे पहला काम ये किया, जो उद्योग लगाने के लिए जो जमीन दी गई थी, अब 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया भूमि अधिग्रहण बिल, पहला राज्य है जिन्होंने लागू किया कि आदिवासी 10 गांव के आदिवासी गांव के 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन को हमने एक महीने के भीतर में वापस कराया। दूसरा काम हमने किया, आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए उनके ऋण माफी की। दूसरा ये कि 2500 रुपया क्विंटल में हमने धान खरीदा, मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे अधिक होगा, इससे अधिक नहीं है किसी देश में। 2500 रुपया क्विंटल में हमने धान खरीदा, उनके अर्थव्यवस्था सुधरी। तीसरी बात ये है कि जो वहाँ लघु उपज होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो औने पौने दाम में बेचते हैं। पिछले समय तक के केवल 8 लघु उपज को खरीदते रहे, हमारी सरकार ने उसे 22 प्रकार की वस्तुओं को खरीदने का फैसला किया। न केवल समर्थन मूल्य में खरीदा, बल्कि तेंदूपत्ता जिसे बीड़ी बनती है उसकी कीमत देश में सर्वाधिक 4000 रुपये प्रति मानक बोरा आज हिंदुस्तान में कहीं इस कीमत में नहीं खरीदा जाता। इसका अर्थ ये हुआ कि आम किसान हो चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, सबके जेब में पैसा गया। पैसे के जाने से हुआ ये कि पूरे हिंदुस्तान में जहां मंदी है, छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 19% का पूरे साल भर में ग्रोथ है, अकेले मार्च महीने में 36% का ग्रोथ था। रियल एस्टेट में 1.5 गुना वृद्धि है, हमारे गेम एंड ज्वेलरी में 184% की ग्रोथ है, और टेक्सटाइल में 30% का ग्रोथ है। तो हर सेक्टर में ग्रोथ है, और जो बेरोजगारी दर है जो 16% से वो घटके 10% में आ गया। आपको मैंने मैनिफेस्टो इलेक्शन के पहले का पढ़ा, और मुझे लग रहा था सबसे प्रोग्रेसिव और तो प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो था काफी उसके अंदर, और एक बात मुझे पसंद है उसका, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात कर रहे थे आप, तो मैं उसके ऊपर अपडेट चाहना देना चाहूँगा, क्योंकि हेल्थ केयर की जो समस्या हमारे पास है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ते जा रहा है, उसके ऊपर फिर आपने ऐलान कर दिया कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर देंगे, उसको किस तरह से अमल में लाना चाहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अभी ज़्यादा काम कुछ नहीं हुआ ऐसा मुझे बताया। देखिए, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ लागू किया भी नहीं जा सकता, लेकिन जो काम हुआ है आज इंश्योरेंस कंपनी चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, फायदा इंश्योरेंस कंपनी की होता है। हमारे हिंदुस्तान में यही हो रहा है, हम करीब 2600 करोड़ के पूरे देश भर में दिए और माटा केवल 900 करोड़ के 1600-1700 करोड़ रुपये तो केवल इंश्योरेंस कंपनी के चला गया, उससे लाभ किसानों को नहीं मिला। उसी प्रकार से हेल्थ में भी हमने ट्रस्ट मॉडल लागू किया। दूसरी बात यह है कि खासकर जो हमने दंतेवाड़ा जो सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित भी है, सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन भी है, सबसे ज़्यादा मलेरिया के भी प्रभावित लोग वहीं हैं, सबसे ज़्यादा अशिक्षा भी वहीं है, और सबसे बड़ा खदान भी वहीं है, जो बैला डीला का जो खदान है आयरन ओर का वो वहीं है। हमने दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत की और सुपोषित योजना, सुपोषित दंतेवाड़ा, आज तो पूरे छत्तीसगढ़ में हम गर्म भोजन चाहे वो 5 साल के बच्चे हों जो माल न्यूट्रिशन है, या 14 साल से 49 साल की जो लड़की महिलाएँ हैं जो एनीमिक हैं, उनको भी गर्म भोजन दे रहे हैं। तो उसका, और दूसरी बात यह है कि हमारे आदिवासी लोग हैं वो हॉस्पिटल जाते नहीं इलाज कराने, वो
बहुतों को ये पता नहीं कि बीमार भी हैं, लेकिन हाट बाजार जरूर जाते हैं। और उसका फायदा ये हुआ कि हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, तो लोग तो बाजार जाते ही हैं, इलाज भी करा लिए और सारी सुविधाएं, पूरे डॉक्टर पूरी टीम हमारी जाती है हर हाट बाजार में, बस्तर के जितने भी हैं वहाँ हाट बाजार में वहाँ लोग जाते हैं। उसका फायदा ये हुआ कि बस्तर, अकेले बस्तर में दर्जनों लोग हर साल डायरिया से मौत हो जाती है, सैकड़ों लोग उससे प्रभावित होते हैं। ये पहला साल है जिसमें एक भी डायरिया का केस नहीं आया, एक उल्टी दस्त केस नहीं हुआ, मरने की बात दूर है। तो दो योजना के कारण, और इस योजना को जब हमने देखा कि बहुत सफल है, तो इसलिए गांधी जी के 85 वर्षगांठ 2 अक्टूबर को हमने पूरे प्रदेश में इसको लागू किया है, ताकि गरीब लोगों को इलाज मिल सके, न केवल ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहरी क्षेत्र में भी इसको लागू कर रहे हैं। अब चाहते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की आपके रिएक्शंस पर, जो इंडिया में जो चल रहा है और मुझे लग रहा है एक्साइटिंग मोमेंट है। मैं हमेशा ये सोचते रहता हूँ कि अभी आप एक महत्वपूर्ण स्टेट के सीएम हो, तो कहीं फर्ज करो कि ऐसे सीएम कॉन्फ्रेंस होती होगी, तो एक और सीएम कोई और स्टेट का, मान लो 48 सेकेंड्स में 8 बार पाकिस्तान 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 बोल दिया है। अब जो विषय है भारत का, भारत के अंदर भूखमरी का, भारत के अंदर गरीब लोगों का, भारत के अंदर जो आदिवासी है, दलित और अन्य लोगों की समस्या है, उनकी बात करने के बजाय अगर हमको पाकिस्तान का आदर्श दे रहे हैं या पाकिस्तान को, अगर मुझे किसी से कंपेयर करना है तो मैं दुनिया के प्रगत राष्ट्र से करूँगा, ना कि जो फेल्ड राष्ट्र है। तो इंडिया पॉलिटिक्स में अभी हम देख रहे हैं कि एक फेल्ड पॉलिटिक्स से हमको बार बार कंपेयर किया जा रहा है, और जब आप देखते हो तो आपको लगता है यार क्यों बोल दिया तुमने, मैं भी सीएम हूं, मेरी भी जिम्मेवारी है इस तरह से करने की। तो जब ये इस तरह का ओवर रेफरेंस हो रहा है, और इंटरनली इधर के जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो मानव अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर जो हनन हो रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली बात यह है कि जिसको जो आएगा वही तो करेगा। एक उदाहरण के तौर पर, एक बार जंगल में सारे जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा हर समय राजा शेर ही होता है, इस समय शेर को बदल देना है। तो फिर सभी जो जानवर थे उन्होंने कहा ठीक है, राजा शेर को नहीं रखते, किसी दूसरे को चुनते हैं। लेकिन जो सबसे सक्रिय कौन है, बंदर है, तो बंदर को राजा बना देते हैं, राजा बंदर बन गया। एक बार एक शेर एक हिरन की जो बच्ची है उसको दबोच लिया, हिरन दौड़े दौड़े शेर राजा जो है अपना बंदर के पास पहुंचा, तो बंदर तो अपने दुखड़ा उन्होंने सुनाया कि मेरे बच्चे को तो शेर उठा ले गया है, बचाइए। बंदर इस डंगाल से उठ डंगाल, उस डंगाल से उठ डंगाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदना शुरू हुआ। हिरन ने कहा मेरे बच्चे को तो खा ही जाएगा शेर। तो बंदर ने कहा कि मेरे मेहनत में कोई कमी है क्या, आपका बच्चा बचे ना बचे उसे मेरे क्या लेना देना, लेकिन मेरे मेहनत में कोई कमी और बताइए आप। तो भाई जिसको जो आएगा वही करेगा। देखिए भारत का भी जो एक मतलब हम जहां से देखते हैं कि जो भारत के अभी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद को एक ओबीसी फेस करके खुद को प्रेजेंट किया और उसके उनको जीत भी हासिल, उनको अच्छा कॉम्पिटिट हुआ। आप भी एक ओबीसी के नेता हैं, और जब आप इस इशू को देखते हैं कि जो करंट की सरकार है, जिसके ऊपर हम बहुत चीज़ों पे बात कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक ओबीसी के मुद्दे के ऊपर जब प्रधानमंत्री चुन के आते हैं और ओबीसी की राजनीति की एक पहल देना चाहते हैं, ओबीसी की राजनीति का एक बहुत बड़ा इतिहास रह चुका है। तुम आप खुद एक ओबीसी हो बघेल साहब, आपको अगर एक पैन इंडिया की राजनीति के ऊपर अगर आपको ध्यान देना है तो आप किस विषयों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे एज ए ओबीसी? देखिए सबसे पहली बात है ओबीसी जो वर्ग है वो मेहनत का वर्ग है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित है, बचत कोई लोहार है, कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई कुम्हार है, तो मेहनत करके वो आजीविका अपना परिवार पालन करते हैं। मेरा सबसे प्रमुख जो उद्देश्य रहेगा कि उनको सम्मान के साथ साथ उसको दाम भी मिले। यदि किसान है तो जो MSP भारत सरकार ने घोषित किया तो उतना मिलना ही चाहिए, यदि कोई ओबीसी वर्ग के लोग कोई उत्पादन कर रहे हैं तो उसको बाजार मिलना चाहिए। सरकार का काम यह है कि उसको
यदि उसको उत्पादन है तो उसको चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर, दुनिया दुनिया में कहीं भी यदि बाजार मिलता है तो सही कीमत मिले। और ये केवल ओबीसी वर्ग की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कहूंगा कि जो जो उत्पादन कर रहा है उसका सही दाम मिले, उसको शोषण ना हो, उसकी कीमत मिले और सबको सम्मान मिले। तो आप अपने स्टेट में क्या कर रहे हैं इसको लेकर, जैसा कि देखो यहाँ पर अमेरिका में डाइवर्सिटी के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि लोगों का प्रतिनिधित्व हो अलग अलग सेक्टर में, और सरकार जो यहाँ पे उसमें निवेश करती इन्वेस्ट करती है, और जो जो वीकर सेक्शन का व्यक्ति है उनको कंपनीज ने सपोर्ट करना चाहिए, उनको हायर करना चाहिए, उनको नौकरी देनी चाहिए, या उनके अलग अलग टेंडर्स में एक अफर्मेटिव एक्शन होता है और फिर सरकार उसको एनकरेज करती है। आपकी सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, मीडिया हो गया या और अनेक सेक्टर हो गए उसमें? सूर्य, इस सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यहाँ जैसे हम चाहे सरगुजा कहें, चाहे आपके रायगढ़ जंगल कहें, कोरबा के जंगल कहें, या फिर हमारे बस्तर, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होता है। जो उत्पादन होता है उसमें हम लोगों ने महिला समूह गठन किया है और उससे जुड़े हुए जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो हमने स्थापित किया है, उसको मार्केट देने के हमने प्रयास किया है। मान लो हम सरगुजा जाते हैं, सरगुजा में बहुत खुशबूदार चावल उत्पादन होता है जिसे जवा फूल करते हैं, बासमती बहुत लंबा होता है, वो सबसे छोटी छोटा उसकी लंबाई बहुत छोटी लेकिन बहुत स्वादिष्ट भी और बहुत खुशबू भी। हमने उसको मार्केटिंग करना शुरू किया, उसको पैकेजिंग किया और मार्केटिंग किया। जो चावल वो केवल 60-70 रुपये किलो में बेच देता था, आज वही 120 रुपये में बेच रहा है। जो हमारे यहाँ तिकुर है कि इमली है और जितने भी उत्पाद हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों में होता है उसके सबके हम छोटे 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 प्लान बनाते हैं और उसके मार्केट से जोड़ने के हमारे सारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं। तो आखिर उसके हमने तो अब बड़े पैमाने पर आप बात करें, बड़े पैमाने पर ये कहा कि भारत सरकार यदि हमारे धान को नहीं खरीद रही, भारत सरकार ने MSP घोषित किया, तो अनाज खरीदने की जिम्मेदारी भारत सरकार की, लेकिन 2014 के बाद ये नीति बनी कि यदि आप समर्थन मूल्य से अधिक आप बोनस देते हैं किसानों को तो आपके यहाँ अनाज नहीं खरीदा जाएगा। उसके बाद स्थिति है कि हम जैसे 25 रुपये में खरीद रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कहा यदि 25 रुपये में आप धान खरीदेंगे तो आपके चावल को सेंट्रल पोर्ट में नहीं लिया जाएगा। लेकिन देखिए एक बार किसानों एक बार स्थिति ये थी, देश में अनाज की कमी थी, जब अमेरिका से भी अनाज जाता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद इंदिरा जी ने जब हरित क्रांति शुरुआत की और किसानों ने जो मेहनत की, देश में अनाज की कोई कमी नहीं है और जितनी आवश्यकता है उससे 3 गुना अनाज हिंदुस्तान में है। अब सवाल इस बात का है कि किसान को अब दाम नहीं मिल पा रहा है, यदि उनको दाम देना है तो मार्केट आप व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके वैल्यूएशन करना होगा। यदि अनाज में आप कहें धान या चावल की बात करें या गेहूं की बात करें, मक्का की बात करें या फिर गन्ना, इससे आपको इथेनॉल बनाना होगा। इथेनॉल बनाते हैं तो निश्चित रूप से बायोफ्यूल यदि बनता है तो बायोफ्यूल मिलाने के आप 20% तक के आपने गैप रखा है, आप हिंदुस्तान में केवल 4% उपयोग कर रहे हैं, आपके पास 16% का पोषण है। यदि आप अनुमति देते हैं और उसका रेट तय करते हैं तो किसानों को दाम मिलेगा, नया फैक्ट्री खुलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और पेट्रोल डॉलर भी बचेगा। अब ये सजेशन है भारत सरकार को, उनके जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री, सबसे मिला प्रधानमंत्री से मिलने समय मांगा, 3-4 में पत्र लिखा। मैं समझता हूँ यदि उसमें अनुमति मिलेगी तो पूरे देश के किसानों को इसका जबरदस्त लाभ, उसका अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन। आप जब केंद्र सरकार की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार का भी जो नया CA और नासिक के ऊपर जो बहुत बड़ा डिबेट है, आपने खुद कह दिया कि आप वो रजिस्टर में अप नहीं कराएंगे कहाँ से, और डॉक्यूमेंट अगर इसको आप ये एक तरह के से इसको एक बना दिया है कि ये किसी समुदाय के विरोध है, अगर हम अगर जैसा किसानों की या गाँव के लोगों की बात करें तो SC ST OBC समाज जिनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, तो जब ये केंद्र सरकार की ऐसी पॉलिसी आती है, काफी स्टेट्स ने मना कर दिया है कि नहीं करेंगे, आपने भी कह दिया है कि मना करेंगे, इसका आप रिएक्शन क्या देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या आएगा आपके ऊपर? एक स्टेट है, बजट के एलोकेशन के हिसाब से होगा या आपकी खुद की जो रणनीति है उसके हिसाब से अगर आप काम करना चाहते हैं उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए वैसे तो ये आंतरिक मामला है, हम लोग ये विचारधारा भी लड़ाई है और हम लोग लड़ भी रहे। महात्मा गांधी ने 1907 में ARC का विरोध किया था,
उन्होंने कहा था मैं इस रजिस्टर में ना दस्तखत करूंगा ना अपना उंगलियों के निशान दूंगा। और ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन अफ्रीका में महात्मा गांधी ने शुरुआत की। यदि आज मुझे कहा जाए कि आप भारतीय हो ये प्रमाणित करना पड़े तो मेरे लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात दूसरी नहीं हो सकती। और मैंने इसीलिए कहा कि मैं इस रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रदेश में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। मैं अपने प्रदेश की बात करूँ, इसका मतलब वो लैंडलेस है, इसका मतलब ये उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर वो डॉक्यूमेंट क्या लाएंगे। और फिर दूसरी बात यदि कहें, आज आधार कार्ड सबके पास है, सबके पास वोटर आईडी है, सबके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड हमने आधार कार्ड से नहीं किया और सबके पास आधार कार्ड है, तो फिर और क्या जरूरत है। आप माता पिता की यदि जन्म तिथि और जन्म स्थान यदि पूछने जाएंगे वो कहाँ ला पाएंगे, और नहीं ला पाएंगे तो क्या होगा। इसलिए इस बात को हमने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, लेकिन आंतरिक मामला लोग लड़ाई लड़ भी रहे हैं और लड़ भी नहीं, ये वैचारिक लड़ाई है। अभी हम ऑडियंस से सवाल जवाब करेंगे। आप माइक उधर है, सो यू हैव टू मेक अ क्यू, एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन से इट इन इंग्लिश एंड यू कैन आस्क इन हिंदी, एंड प्लीज be very brief because we need to get as many as people. If you want to give introduction, we have a other session, we can do it. Thank you. So, ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है। तो आजादी के बाद 1990 तक ब्राह्मणवाद जो कि कास्ट के अगेंस्ट ये टर्म आया था, ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट लड़ाई चालू हुई हर स्टेट में, तमिलनाडु में और बिहार में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वहाँ कांग्रेस को हटाया गया। शुरू से ही कांग्रेस पर ब्राह्मणवाद का आरोप लगता रहा है, मतलब उनके जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में शुक्ला बंधु, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, भास्कर रेड्डी आंध्रा में, ये सब लोग ब्राह्मण थे, पीवी नरसिंह महाराव। लेकिन अगर आप देखिए कि 2014 के बाद से मीडिया इस चीज़ को भुला चुकी है, तो कांग्रेस ब्राह्मणवाद के खिलाफ है या ब्राह्मणवाद के साथ है, इस पर आपका क्या विचार है। मतलब मोदी के आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणवाद नहीं था, लेकिन 47 से लेकर 90 तक ब्राह्मणवाद का आरोप रहा है, तो आपका क्या विचार है। देखिए, कांग्रेस का अपना विचार है और कांग्रेस का अपना संविधान है, और कांग्रेस सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, किसी एक का विरोध दूसरे का समर्थन नहीं करती। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस ना करती है। यहां तक कि किसी बात का है, अब कभी अभी तो मुस्लिम परस्त कर देते हैं, कभी अल्पसंख्यक परस्त कर देते हैं, तो जिसको जो कहना है वो कह लेते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने रास्ते से नहीं हटी है। कांग्रेस सबको साथ में लेके चलती है, सबका प्रतिनिधित्व करती है। यहां तक कि मुख्यमंत्री बनने की बात है, आजादी के बाद की बात है, बहुत सारे हमारे अपर क्लास के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, दूसरे वर्ग के लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, और फिर राजनीति में, मैं तो गांव में रहने वाला हूं, गांव में ये आज ये होता है कि मैं सरपंच बनूंगा, वो कहता मैं सरपंच बनूंगा, लेकिन एक समय ये था विधायक तक बनने के लिए बोले तैयार नहीं होते थे, बोले मेरे जगह दूसरे बना दीजिए, सांसद बनने के लिए बोले मुझे छोड़ो यार, मैं कहां झंझट में पढ़ूंगा, वो फला व्यक्ति बना दो। अब वो जमाना नहीं रहा, अब तो एक सरपंच भी खुद बनना चाहता, दूसरे की बनने देना चाहता। मेरा ये सवाल है आपसे कि मैं गांव में किसान के जो रेवेन्यू है उनपे बहुत निराशा देखता हूँ, चाहे वो 50 एकड़ का खेत बो रहा है, चाहे वो 100 एकड़ का खेत बो रहा है। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस भले चाहे बढ़ा देंगे, बट इससे किसानों के जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो आप कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्रीज ला रहे हैं लेकिन मार्केट डेवलप नहीं है उस हिसाब से, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस फील्ड में कि किसानों का मुद्दा बढ़े, और क्योंकि किसान का बेटा किसान नहीं बन रहा है, तो ये आगे जनरेशन के लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो आप इस फील्ड में क्या करेंगे। और एक और चीज, नरवा गुरवा गरवा और बाड़ी, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा एलाबरेट करें उस चीज को।
ये सवाल बहुत बड़ा है। इसके बाद फिर दो दो तीन खराब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लोग वहां जाना चाहते हैं जहां आकर्षण हो। यदि हार्वर्ड लोग आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग, या कोई खास बात तो कभी ना आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप चाहे व्यवसाय में, चाहे कृषि का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे और दूसरे किसी भी क्षेत्र में, जब तक तो उसका आकर्षण नहीं होगा उधर नहीं जाना पसंद करेंगे। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि हमने 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, उसका अंतर क्या हुआ? पूरे छत्तीसगढ़ में इस साल एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, पूरे छत्तीसगढ़। दूसरी बात, पहली बार है कि छत्तीसगढ़ के किसानों किसान के चेहरे में कोई सिकन नहीं है, और इस साल ये हुआ है कि 1.5 लाख नए किसान रजिस्ट्रेशन कराए कृषि करने के लिए। जो शहर में रहते हैं वो गांव गए हैं खेती करने के लिए। क्यों? क्योंकि खेती लाभकारी हुआ। तो आप यदि किसी को लाभकारी बनाएंगे तो लोग नौकरी पीछे नहीं भागेंगे। पहले बोलते थे उत्तम खेती, अब बात नहीं रही, लेकिन हमने उत्तम खेती कर दिया है, तो इस साल 1.5 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए किसानों के। तो आपको उस दिशा में काम करना होगा। दूसरी बात, आपने कहा नरवा गरवा गुरुआ वाली, ये आज हमारे पूरे दुनिया के जो छात्र छात्राएं हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? पूरा ये धरती गर्म हो रहा है। गर्म कैसे? दो प्रकार से। एक तो आपके उसको ठंडा कौन करता है? या तो हवा करता है या पानी। तो हवा को आपने चाहे औद्योगिक पॉल्यूशन के कहे या मोटर व्हीकल के पॉल्यूशन से कहे, आप उसे पॉल्यूशन कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं और गर्म कर रहे हैं। दूसरा, लगातार धरती के अंदर जो पानी उसको उलीच रहे हैं। तो ये जो नरवा है वो आपके पानी पुनर्भरण करने का काम है, वाटर रिचार्जिंग करेंगे। और इसके लिए हमने पूरा डीपीआर बना लिया है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 30,000 नाले हैं, उसमें से 1,024 नाले का हमने डीपीआर बना लिया है, और अब तत्काल बाद काम शुरू करेंगे, वाटर रिचार्जिंग करेंगे, ताकि वहां न पेयजल के लिए, न निस्तार के लिए, न सिंचाई के लिए, न उद्योग के लिए पानी की कमी हो। और दूसरा, यदि हमारे चट्टानों के बीच में जमीन के भीतर यदि पानी रहेगा तो धरती गर्म, उसके टेम्परेचर भी कम होगा। ये हो गया नरवा। दूसरा जो गरवा है, आज हिंदुस्तान में जो मवेशी है उससे परेशानी हो रही है। हरिशंकर परसाई जी थे जबलपुर के गंगकार, उन्होंने लिखा था, बहुत पहले लिखा था, पूरी दुनिया में जो गाय है वो दूध देने का काम करती है, अकेले हिंदुस्तान है जहां ऊंट देने का काम करती है। तो ये आज गाय के नाम से राजनीति हो जाती है, लोगों की हत्याएं हो जाती है, लेकिन उसकी सेवा कोई नहीं करना चाहता। हमने हर गांव में 3 से 5 एकड़ जमीन सुरक्षित की है उसका गौठान बनाने के लिए, उसको वहां छाया भी हो, पानी की व्यवस्था हो, और चार हरा चारा 12 महीना मिले, उसके 10 एकड़ जमीन सुरक्षित की हो, ताकि वो केवल मवेशी की सेवा भर नहीं बल्कि उससे लोगों को रोजगार भी मिले। और उसी से जो गोबर है और गांव भर के जो कचरे इकट्ठा होंगे उससे कंपोस्ट बनाइए, वर्मी कंपोस्ट बना दीजिए, तो आप जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे, उससे कृषि लागत भी कम होगा और आपके जो अनाज है वो शुद्ध होगा, जिसमें पेस्टिसाइड भी नहीं होगा, फर्टिलाइजर भी नहीं होगा। ये हो गया नरवा गरवा घुरवा वाली। लोगों को रोजगार से भी जुड़ा है, पर्यावरण से भी जुड़ा है, और कृषि कार्य से भी जुड़ा हुआ है, जिसे हमने छोड़ दिया। धन्यवाद। समय बिल्कुल खत्म हो गया है, पर मैं ये जरूर करूंगा कि आपके सब आपके प्रश्न पूछ लो, सीएम साहब का जो जवाब है हम कहीं और ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको सेशन खाली करना पड़ेगा। जो लाइन में खड़े मैं उनकी वो साइड में खड़े, तो एक काम करते हैं, 1, 2, 3 और 4 ये जरूर ले लेते हैं। हाँ, 1, पीछे 2, 3 और 4 पूछ लेते, और सवाल ही पूछना। आपने अफसर की बात करी, तो अगर मुझे अफसर नहीं मिला होता, मैं लोहार कैटेगरी का हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर में ही पाला पड़ा था, अगर मुझे अफसर नहीं मिला होता तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। अब हम जो छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पहुंच गए हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम काम करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में।
तो ऐसी क्या आपकी विचारधारा है या आपके ऐसे क्या विजन है कि यहाँ के लोग वापस छत्तीसगढ़ में जाके काम कर पाए? क्योंकि पहले एक फेलोशिप आई थी, चीफ मिनिस्टर गोल्ड गवर्नेंस फेलोशिप, जो रमन सरकार जी के टाइम पे आई थी, तो क्या ऐसा कुछ आपके विजन में है? मैं दिलीप मंडल हूँ और सवाल ये है कि आपको जिस तरह का स्ट्रक्चर मिला है, आप राजनीतिक सत्ता तो बदल गई है लेकिन बाकी और सत्ताओं के तो बहुत सारे केंद्र हैं, जैसे मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, एकेडमिक्स है, तो क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक सत्ता यहाँ पर, तो आपने SC/OBC का स्थान दे दिया है, लेकिन जो बाकी संस्थाएं जहाँ पावर है, एक्चुअली जहाँ पावर है, सत्ता जहाँ से है, क्या आपको लगता है अपने 5 साल के कार्यकाल में मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और एकेडमिक्स में भी आप कोई बदलाव कर पाएंगे, या 5 साल का समय इस काम के लिए बहुत छोटा है? मेरा नाम अशोक दास है। पिछले कई सालों में, एक दशक में, ओबीसी राजनीति काफी मजबूत हुई है बिहार में, यूपी में। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया भारत के भीतर, जिसमें प्रमोशन रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ये तय करेगी कि देना है कि नहीं देना है। लेकिन जब ऐसे मसले आते हैं तो जो ओबीसी के लीडर्स हैं, जो हमने देखा है, जिन स्टेटमेंट की गवर्नमेंट है, वो उस तरीके से कोर्ट के फैसले के बावजूद भी उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने से हिचकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हमारा जनरल कमेटी का वोट चला जाएगा। ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी क्या होगी, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, इसको किस तरीके से आप लोग करेंगे? अभिषेक हूँ, मेरा प्रश्न है आरक्षण के लिए ही, इन एडिशन टू हिम, आप आरक्षण में किसके पक्षधर हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं या अभी भी वही जाति की बेसिस पे? महिला ने सवाल नहीं पूछा है, थोड़ा हम उसकी भी आदर करते हैं, आप पूछिए प्लीज। और ये मुझे पीछे जाके पिटेगी, पर आप पूछ लेना। मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि 44% छत्तीसगढ़ का जंगल है और मैं ये बिल्कुल ऐसे ही रहने देना चाहती हूँ। पर मुझे पता लगा कि कोल माइंस आ रहे हैं हसदेव के जंगलों में, तो मैं न्याय चाहती हूँ हमारे आदिवासियों के लिए, ताकि हमें ऐसा छत्तीसगढ़ मिले जो अभी तक था और आगे भी रहेगा, सबको न्याय मिले, सबका रोजगार रहे। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? Ladies and gentlemen, this was an exciting session. Put your hands together. Give it up to Bhupesh Baghel. Thank you so much. Namaste.